धार जिले में आज से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण आरंभ हुआ। कोरोना वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में करीब 70% हेल्थ वर्कर्स ने टीके लगवाए हैं। दूसरा चरण आरंभ हो गया है जिसमें पुलिस विभाग एवं राजस्व विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीके लगाए जाएंगे। दूसरे चरण के आरंभ होते ही कलेक्टर व SP ने टीके लगवाए। दोनों अधिकारियों ने विभाग के सभी फ्रंटलाइन वर्कर्स से टीके लगवाने की बात कही है। आज कलेक्टर आलोक कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने भोज चिकित्सालय में टीके लगवाए जिसमें फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीके लगाए जाएंगे। जिले में प्रथम चक्र में का टीकाकरण का कार्य संपूर्ण हो चुका है और इसमें 70% से ज़्यादा लोगों ने टीकाकरण कराया। द्वितीय चक्र में जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं उनको टीकाकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। इसके अलावा पंचायत विभाग और उनके भी कर्मी जो फ्रंट रनर रहे हैं उनके टीकाकरण का कार्य किया जा रहा है। और आज उसी क्रम में जब मुझे भी मैसेज आया जिला अस्पताल से, तो मैंने भी आज इसका टीकाकरण करवाया है। और निश्चित रूप से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों द्वारा पूरी जांच पड़ताल के बाद ये टीके तैयार करे गए हैं और एक ये सुरक्षा कवच हमें देता है। जैसा कि हेल्थ विभाग का निर्देश है, 28 दिन बाद इसका दूसरा डोज लेना है और इस दौरान भी हम लोग पूरी तरह से नियम प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करें। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और अन्य चीज़ें उसी तरह से पालन करनी है जैसे टीकाकरण के पूर्व करनी थी। तो मैं सभी को संदेश देना चाहूँगा कि ये बहुत ही ईजी, जैसे अन्य टीकाकरण होते हैं उसी प्रकार से एक ये भी टीकाकरण है और केंद्र शासन और राज्य शासन इसके लिए इतना प्रयास कर रही है अपने नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए। तो सबसे अपील है कि इसमें आगे आएँ, 100% टीकाकरण कराएँ जिससे बाकी जो आम जन है उनमें भी भरोसा हो, विश्वास हो और इस टीकाकरण से लोग सुरक्षित होके आगे जो प्रगति के कार्य करने हैं उसमें दिन रात लग सके। धन्यवाद। मैं आदित्य प्रताप सिंह, SP धार। मैंने आज कोविड की वैक्सीन लगवाई है और मैं सभी मेरे स्टाफ मेंबर्स और सभी लोगों से मैं आग्रह करूंगा जिनका भी नंबर आता है वो अपनी वैक्सीन लगाएं और अपने आप को और पूरे सोसाइटी को सेफ बनाएं। कैनन न्यूज़ के लिए धार से सुरेश तिवारी की रिपोर्ट।